सो हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे इसका पार्ट टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.1 का पार्ट टू। इसमें क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड। पार्ट टू में हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 3x का स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने का है, ये होगा 3 × +2 है ना, साइन थर्ड टर्म के लिए ये हो जाएगा 3 × 6 + 6 और मिडिल टर्म क्या है −2√6, ठीक है ना। तो दो फैक्टर्स ऐसे लेना है, दो नंबर ऐसे लेना है जिसका मल्टीप्लीकेशन 6 आएगा और जिसका एडिशन ये आना चाहिए। अब ये देखिए, ये ध्यान में रखने वाली बात है कि √6 + √6 ये होता है 2√6 और ये √6 × √6 ये होगा √6 बचेगा, ठीक है। ये तो दो चीजें आपको ध्यान में रखना है, इसके बेस रखना पूरा प्रॉब्लम है। अब हम लोग क्या करेंगे, दो फैक्टर्स ऐसे निकालेंगे कि जिसका एडिशन 2√6 होगा। तो 2√6 का एडिशन क्या होता है, √6 और ये √6 माइनस है तो दोनों को माइनस है, −√6 − √6 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, −2 × √6 हो जाएगा, ये बैलेंस हो गया और ये −(−) हो गया प्लस और ये √6 × √6 मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए ना। तो √6 × √6 क्या हो जाएगा 6, −(−) + ये भी बैलेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म ऐसा लेंगे, मिडिल टर्म के फैक्टर्स लेंगे, मिडिल टर्म्स के फैक्टर्स क्या है √6 और ये −√6, लेकिन वेरिएबल x है तो हम लोग क्या करेंगे, इधर वेरिएबल x प्लस और ये क्या हो जाएगा थर्ड टर्म एज इट इज 2 = 0, ठीक है ना। अब हम अपने कन्वीनियंस के लिए क्या करेंगे, √6 को स्प्लिट करेंगे, √6 क्या हो जाता है √3 × √2। तो हम लोग ये फर्स्ट टर्म ऐसा लेंगे, −√6 को स्प्लिट करें √3 × √2, ये x है तो ये x नहीं, इधर x नहीं लेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा ऐसा में। तो √6 को √3 × √2 में स्प्लिट करेंगे, यहाँ भी सेम ये √3 × √2, ये x है तो x और ये प्लस 2 = 0 है ना। अब इधर कॉमन ये दो दो का ग्रुप बनाएंगे हम लोग, ये √6 को √3 × √2 में, ये √6 को √3 × √2 में स्प्लिट किए, अब दो दो का ग्रुप बनाएंगे। अब इधर कॉमन क्या आएगा, बेसिकली √3 कॉमन आएगा, √3 और वेरिएबल क्या है x है। तो इधर क्या आएगा, √3 आएगा x, क्योंकि क्या हो जाएगा √3 × √3 = 3 आ जाएगा, ठीक है। हमको क्या लाने का, इधर बैलेंस करने का, √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, ये बैलेंस हो गया। x एक x इधर निकला था, एक x दे माइनस √3 निकल गया, क्या बचा, ये √2 बचा। अब इधर क्या करेंगे, माइनस एज इट इज लेंगे, साइन √2 कॉमन लेंगे, ठीक है ना। अब √2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 निकल गया, ये क्या बचा √3x बचा और ये क्या बचा +(−). अब इधर क्या करेंगे तो आंसर 2 आएगा, तो √2 × √2, √2 रिवर्सल हो तो √2 × √2 क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये बैलेंस हो गया। तो हमारे ये दो ब्रैकेट इक्वल है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, कॉमन लिखेंगे हम लोग, √3x − √2 कॉमन लिखें और दूसरे पार्ट में क्या लिखें, √3 − √3x − √2 = 0। तो ये वाला पार्ट भी √3x − √2 = 0 और ये वाला पार्ट भी √3x − √2 = 0। तो √3x = क्या हो गया, ये दो शिफ्ट हो क्या हो गया √2 हो गया, तो x = क्या हो गया √2/√3 हो गया और ये भी क्या हो गया √3x = ये उधर शिफ्ट तो क्या हो गया +√2 हो गया और ये x क्या हो गया √2/√3, ठीक है। तो ये दो क्या है, फैक्टर्स या फिर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9, 2f (m − 24 = 50). अब क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे फर्दर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर हो जाएगा −24 × 48, ये हो जाएगा m = 50, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर −48m, सेनेट फॉर्म में लिखेंगे, इसको अंदर लाएंगे
माइनस फिफ्टी इजिकल टू जीरो। अब इसको यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि क्या होना है टू के टेबल में सब इवन नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, डिवाइड बाय टू से डिवाइड करेंगे तो ये टू एम का स्क्वायर अपॉन टू माइनस फोर्टी एट एम अपॉन टू माइनस फिफ्टी अपॉन टू इजिकल टू जीरो। टू टू गेट कैंसर हो, टू टू जब फोर, टू फोर जब एट, ये होगा टू ट्वेंटी फाइव जब फिफ्टी, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर एम और ये माइनस ट्वेंटी फाइव इजिकल टू जीरो। अब क्या करना है हमें, लास्ट नंबर क्या है माइनस ट्वेंटी फाइव थर्ड टर्म, और ये क्या है माइनस ट्वेंटी फोर, दो मल्टीपल ऐसे लेना जिसका मल्टीप्लीकेशन ट्वेंटी फाइव आएगा और जिसका एडिशन क्या आना चाहिए ट्वेंटी फोर, तो ट्वेंटी फाइव वन से ट्वेंटी फोर। मिडिल नंबर का साइन क्या रहेगा इसमें, तो बड़े नंबर का साइन आएगा, तो इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा है ना, ये एडिशन आना चाहिए। तो ट्वेंटी फाइव में से वन गया ट्वेंटी फोर बचा साइन बड़े नंबर का, ये बैलेंस हो गया माइनस इन प्लस माइनस ट्वेंटी फाइव वन से ट्वेंटी फाइव, ये बैलेंस हो गया। इससे फैक्टर्स निकलेंगे एम स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर को स्प्लिट करेंगे ट्वेंटी फाइव एम प्लस वन एम माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू जीरो। वन लिखने की जरूरत नहीं है, अब ये दो दो का ग्रुप आ रहा है उसमें से कॉमन वेरिएबल m निकला, क्या बचा m माइनस ट्वेंटी फाइव है ना, प्लस इसमें से कुछ कॉमन नहीं, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करते हैं 1 कॉमन लेते और ये हो गया m माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू जीरो। ये दो ब्रैकेट इक्वल आ रहे हैं, यानी कि कॉमन हम लेंगे तो क्या करेंगे m माइनस ट्वेंटी फाइव इसको कॉमन पार्ट ही ले लेंगे हम लोग, और ये m प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो m माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और क्या हो जाएगा m प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो m इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव उधर गया तो प्लस हो जाएगा और m इज इक्वल टू माइनस वन है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे ट्वेंटी फाइव एंड माइनस वन आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करेंगे क्वेश्चन नंबर टेन, ट्वेंटी फाइव एम का स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, ये हो गया ट्वेंटी फाइव एम का स्क्वायर, ये अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। अब ये देखते हैं स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर टर्म है, ट्वेंटी फाइव और नाइन है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये ट्वेंटी फाइव किसका स्क्वायर है फाइव का, और ये एम इसको होल स्क्वायर लिखते हैं अपने फाइव का स्क्वायर, फाइव फाइव का स्क्वायर क्या हो गया ट्वेंटी फाइव का एम का स्क्वायर एम का स्क्वायर, तो इसको फाइव एम का होल स्क्वायर है, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव एम का स्क्वायर एम का स्क्वायर माइनस ये क्या है थ्री का स्क्वायर है। अब इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ये लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी और ये a माइनस बी, ठीक है ना, तो ये a की जगह अज्यूम करेंगे और ये क्या करेंगे b की जगह, तो a प्लस बी यानी कि 5m प्लस 3 और ये हो गया 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 5m इज इक्वल टू ये उधर शिफ्ट तो क्या हो गया माइनस 3, तो m इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5 हो गया और ये हो गया 5m is equal to b उधर शिफ्ट हो गया तो प्लस 3 हो गया, तो m is equal to क्या हो गया 3 upon 5 हो गया, ऐसा में तो हम लोग लिखेंगे minus 3 by 5 और 3 by 5 are the roots of the given quadratic equation। क्वेश्चन नंबर 11 है 7m का स्क्वायर इज इक्वल टू 21m, ठीक है ये 7m का स्क्वायर एज इट इज ये अंदर है तो क्या हो गया माइनस 21m इज इक्वल टू 0। अब इधर दोनों वेरिएबल है, वेरिएबल कॉमन आएगा m कॉमन आएगा और 7 के टेबल में 21 आता तो 7 भी कॉमन आएगा, तो 7m कॉमन आया क्या बचा इधर 1m बचा माइनस 7 3 इज 21 m निकल गया है ना इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया 7m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू ये नीचे गया 7 अपॉन 0 ये तो 0 ही होगा और m इज इक्वल टू माइनस 3 तो शिफ्ट तो क्या हो गया ये प्लस हो गया, तो 0 एंड 3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन नंबर 12 m स्क्वायर माइनस 11, इधर कोई वेरिएबल नहीं है सिर्फ सिंगल वेरिएबल है इधर इधर नहीं, तो हम लोग कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे फर्स्ट हम किसी का स्क्वायर है तो उसको भी स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, एम स्क्वायर माइनस इलेवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग क्या लेते हैं ऐसे कंडीशन में रूट लगा दें रूट इलेवन का स्क्वायर, क्योंकि क्या हो गया बैलेंस हो जाएगा रूट और स्क्वायर रूट के कैंसिल आउट सिर्फ इलेवन बचेगा, तो इलेवन को स्क्वायर फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे रूट इलेवन का स्क्वायर। अब
इज इक्वल टू जीरो। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्म में आएगा, तो ये क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए की जगह क्या है एम है और बी की जगह क्या है इलेवन है, रूट इलेवन है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी यानी एम प्लस रूट इलेवन और ये हो जाएगा एम माइनस रूट इलेवन इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा एम प्लस रूट इलेवन इज इक्वल टू जीरो और एम माइनस रूट इलेवन इज इक्वल टू जीरो। तो m is equal to क्या हो जाएगा, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस रूट इलेवन हो जाएगा और m is equal to ये उधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस रूट इलेवन। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे माइनस रूट इलेवन एंड रूट इलेवन आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 का लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 2 कंप्लीट।